नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले संजय लीला भंसाली की एक सीरीज रिलीज हुई थी, हीरा मंडी द डायमंड बाजार। मैं बहुत दिनों से ना देख रहा था नेटफ्लिक्स पर कि ये सीरीज है ना टॉप 10 की लिस्ट में रैंक कर रही है। तो मैंने सोचा कि लोग इस सीरीज को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, टॉप 10 की लिस्ट में रैंक कर रही है, तो सीरीज कुछ ज्यादा ही अच्छी होगी इस वजह से लिस्ट में रैंक कर रही है। तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं। बट मैंने इसका पहला एपिसोड देखा। पहला एपिसोड देखने के बाद तो भाई मेरा दिमाग खराब ही हो गया। मतलब इतना ज्यादा बेकार एपिसोड कैसे। हाँ, मेरा तो अगला एपिसोड देखने का मन ही नहीं किया। बट फिर भी मैंने सोचा कि लोग सीरीज को इतनी ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो शायद आगे के एपिसोड में कहानी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आगे के एपिसोड में कुछ शायद अच्छा दिखाया जाएगा, आगे के एपिसोड में कहानी बदलेगी, मुझे कुछ ऐसा लगा। इस वजह से मैंने आगे की एपिसोड और देखना चालू किया। बट आगे के एपिसोड में तो और भी ज्यादा दिमाग खराब हो गया मेरा। इतनी ज्यादा बकवास बोरिंग ड्रामा देखने मिला। मतलब बॉलीवुड वाले ना ऐसी बकवास बोरिंग सीरीज और मूवीज है ना बनाना बंद ही नहीं करेंगे। मतलब ये सीरीज है ना संजय लीला भंसाली की है। संजय लीला भंसाली की है ना बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज है जो कि उनकी बहुत ही ज्यादा हिट्स गई है, बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी है। बट ये सीरीज को देख के है ना पूरी एक्सपेक्टेशन है ना डाउन हो गई है। कुछ ज्यादा ही बेकार कर दी सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि ये सीरीज को नेटफ्लिक्स ने यूए का टैग देके रखा है। मतलब कि ये सीरीज आप फैमिली, माता पिता, बच्चों को भी दिखा सकते हो। मुझे तो सीरीज में कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि आप माता पिता बच्चों के साथ देखो बैठ के, क्योंकि अगर आप अपने माता पिता के साथ भी बैठ के देखते हो तो आपके मॉम डैड खुद से आपको बोलेंगे कि बेटा कुछ अच्छी सीरीज लगा दे, मतलब ऐसी बोरिंग सीरीज देख के हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहा है, तो कुछ अच्छा सा लगा दे, कोई अच्छी सीरीज लगा दे जो कि फैमिली कॉमेडी टाइप की हो। ऐसी बकवास सीरीज तो उन्हें लगा ही क्यों, ऐसा आपके माता पिता आपको बोलने लगेंगे। तो मेरे लिए हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीरीज जो है वो एक खास सीरीज नहीं है। कहानी भी मुझे इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी नहीं देखने में। बोरिंग, बेकार, बकवास जितने भी शब्द बोलूँ वो इस सीरीज के लिए कम ही है। इतनी ज्यादा मुझे एंटरटेनिंग लगी नहीं हीरा मंडी सीरीज देखने में। आपने अगर अभी तक देख लिया हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीरीज तो देख कमेंट करके जरूर बताना आपको हीरा मंडी सीरीज कैसी लगी। क्या आपके भी सेम रिव्यू है मेरी तरह, देखकर कमेंट करके जरूर बताना आपको हीरा मंडी सीरीज कैसी लगी।